हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है परफुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों त्रिकोणमिति चैप्टर का आज आखिरी क्लास होने वाला है। आज हम लोग दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग घर पे भारती भवन या एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हम अगला चैप्टर क्षेत्रमिति चैप्टर लेके आएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमें प्रूफ करना है 7 + 10² ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि इसको कैलकुलेट करके बाएं साइड वाले को कैलकुलेट करके हल करके हमको 7 + 10² ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो आप जैसे पहले क्लास में हम लोग लिखते हैं LHS बराबर, तो LHS बराबर कितना है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस sec a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़ेंगे हम लोग। देखिए दोनों को होल स्क्वायर कर लेते हैं। यदि इसको हम लोग मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। फिर इसको भी यदि हम लोग मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो ये भी हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉसेक ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a के जगह पे साइन ए, b के जगह पे कॉसेक ए, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर प्लस है, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a के जगह पे कितना, कॉस ए इंटू बी के जगह पे सेक। ठीक है, अब यहां से देखिए हमें जाना कहाँ है, टेन और कॉट में। तो आप ये कॉसेक को कॉट में बदल दीजिए और सेक को किस में बदल देते हैं, टेन में। तो देखिए यहां से इसको रहने दीजिए आप साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, अच्छा सात भी लाना है यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप 4 + 5 + 6 फिर यहाँ बता रहे 5 × 4 = 9 = 15 होगा, चाहे आप 6 को इधर लिख लीजिए प्लस 4 आप प्लस 5 लिखिए, फिर भी इसका योग कितना होगा, 15 ही होगा। तो आप कहीं भी इसको लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कॉसेक स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कॉट में बदल देते हैं। तो आप लोगों को फॉर्मूला लिखाए थे हम लोग, हम कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + cot² है, ये फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूला वाला वीडियो जाके देखिएगा। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, प्लस में 1 + cot² ए। ठीक है, उसके बाद कितना है देखिए यहाँ पे प्लस में 2 रहेगा। ठीक है, इसको भी आप देखिए एक और फॉर्मूला लिखाए थे आप लोगों को साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर कितना होता है 1, तो इसके जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 + cos² को हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। अब सेक, हम सेक को बदल लेते हैं किसमें, टेन में। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 + tan² ए। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं 1 + tan² ए प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये 2 तो रहेगा ही, एक और फॉर्मूला हमने आप लोगों को लिखा था कॉस ए इंटू सेक ए बराबर कितना लिखा है, तो 1, इसके गुना में भी कितना हो जाएगा 1। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना लिखा है, 1, तो यहां से यहां तक इसका हो जाएगा 1, प्लस में कितना हो जाएगा 1, प्लस में कितना हो जाएगा, आप 10² को पहले लिख लीजिए या किसी को भी लिख सकते, चलिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 × 2 प्लस कितना 1, फिर प्लस में कितना 10² ए प्लस में फिर कितना 2 × 2। अब यहां से देखिए आप लोग 1 × 1 = 2 × 2 = 4 × 5 = 2 = 7, तो 7 आ गया, प्लस में 10² को आप लोग पहले लिख लीजिए, आप प्लस में कितना cot² ए,
और यही मुझे प्रूफ करना था, इतना ही लाना था इसको तोड़ करके, आ गया बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः एल एल एच एस यानी कि बायां साइड बराबर है किसके, आर एच एस के, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, यही तोड़ करके इतना लाना था, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए माइनस इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर हमें प्रूफ करना है वन बट्टा टेन ए प्लस वन बट्टा कॉट ए। कुल मिलाकर के कह रहा है क्या कि आप सरल कीजिए, हल करके बताइए, दिखाइए हमको कि ये और ये साइड दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो पिछले कुछ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था जिसमें हम इसको भी तोड़े थे, दाएं साइड वाले को भी और बाएं साइड वाले को भी, तो दोनों को तोड़ेंगे, इसमें एलएचएस को भी तोड़ेंगे हम लोग, आरएचएस को। तो पहले हम आरएचएस को तोड़ते हैं फिर एलएचएस को। तो देखिए इसको भी हम लोग किसमें बदल देंगे, साइन कॉस में, इसको भी क्या करना है, साइन को कॉस को रहने देते हैं, ये कॉसेक और सेक को किसमें बदल देते हैं, साइन और कॉस में। तो यहां से देखिए इसको हम लोग एलएचएस बराबर यदि हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। इसको देखिए कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वन बट्टा साइन ए माइनस, ये साइन ए को आप रहने दीजिए, ठीक है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक। इसको भी सेक ए बराबर क्या होता है, वन बट्टा कॉस ए माइनस कॉस ए को आप रहने दीजिए, बट्टा में कुछ नहीं है तो एक। सब साइन और कॉस में आ गया, इसको भी बाद में हम साइन और कॉस में बदल करके प्रूफ कर सकते हैं। यहां से देखिए साइन ए का और एक का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है, साइन ए से साइन में भाग देंगे, एक एक को एक से गुना करेंगे, एक माइनस वन से साइन ए में भाग देंगे, देखिए वन से यदि हम लोग साइन ए में भाग देंगे तो कितना आएगा, साइन ए, और इस साइन ए को इस साइन ए से अगर हम लोग गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू, ठीक है, यही कंडीशन सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी होगा, वन का कॉस ए का एलसीएम, कॉस ए कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे, एक होगा, एक को एक से गुना करेंगे, एक एक से कॉस ए में भाग देंगे, कॉस ए कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला लिखाए थे कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है वन माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि इसके जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में कितना, साइन ए, गुना है तो गुना यहाँ पे कोष्ठ को हटा करके हम लोग गुना कर देते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है ना, फॉर्मूला आप लोग फिर से वीडियो, आप फॉर्मूला वाला वीडियो जो स्पेशल आठवां पार्ट आठ वीडियो है उसको जरूर देखिएगा तीन बार चार बार, ठीक है। साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अब बट्टा कितना, कॉस ए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एगो कॉस है और यहाँ पे दो, तो एक कॉस से एक कॉस तो खत्म हो गया, एक साइन से एक साइन खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एगो कॉस ए बच गया, और इनटू में कितना बच गया, साइन ए, ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ करके इसको अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आर एच एस को भी, इसको भी तोड़ लेते हैं। तो यहां से हम लोग आर एच एस बराबर लिख लेते हैं, आर एच एस बराबर कितना है, वन बटा टेन ए प्लस कितना, कॉट ए, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए यहां से हल करते हैं हम लोग, ठीक है, देखिए वन को वन रहने दीजिए आप लोग, यहाँ पे बराबर में वन रहने देते हैं बट्टा में, टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बट्टा कॉस ए, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए बट्टा में कितना, कॉस ए प्लस कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बट्टा साइन ए, तो कॉस ए बट्टा में कितना, साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे वन रहने दीजिए इसके बट्टा में, कॉस ए और साइन ए का लघुगम लेंगे, कॉस ए और साइन ए का हम लोग यदि एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखिए कॉस से कॉस तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन, और साइन को साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा,
कॉस ए इंटू साइन ए, तो यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, तो साइन को और साइन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कट जाएगा, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस एक के बट्टा में कुछ नहीं है तो एक, ठीक है, ये बड़ा वाला इस बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। ये बड़ा वाला बट्टा को हटाएंगे तो ये कॉस ए इंटू साइन ए तो ऊपर चला जाएगा, अब बट्टा में क्या ई वाला नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस ए और कॉस ए को गुना करिए, इसको एक को इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, कॉस ए इंटू साइन ए बट्टा। अब यहाँ पे देखिए ये एक है और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, वन, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इस पूरा का मतलब कितना हो जाएगा, एक, तो एक को एक से गुना करेंगे एक, और एक नीचे में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसका, इसको तोड़ के इतना हो गया। देखिए इसको भी तोड़ के साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए दोनों तरफ बराबर आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं अतः ये बायां साइड बराबर है इसके साइड का, दायां साइड का, ठीक है। तो इसको भी वीडियो रोक करके आप लोग बता दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन माइनस टेन ए बट्टा वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, यानी कि कुल मिलाकर के हमें इसमें प्रूफ करना है कि ये तीनों बराबर है, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो उसके लिए तो हल करना पड़ेगा, तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें तीन आ गया, इससे पहले में एक तो बायां साइड वाला आता था, एक दायां साइड वाला, तो बायां साइड और दायां साइड, तो इसको तो हम लोग बोल देंगे LHS कि ये बायां साइड है, इसको बोल देंगे RHS कि ये दायां साइड, इसको हम लोग बोल सकते हैं MHS यानी मिडिल साइड, मिडिल हैंड साइड यानी कि बीच वाली को हम लोग क्या कर सकते हैं, MH यानी मध्य पक्ष, अगर हिंदी में बात करेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मध्य पक्ष, ये बायां पक्ष हो जाएगा और ये कौन सा पक्ष हो जाएगा, दायां पक्ष, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसको तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, तो इसको बारी बारी से ये LHS को और MHS को तोड़ते हैं, और फिर RHS तो टेन स्क्वायर दिया ही है, तो ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो ठीक है। तो चलिए इसको बारी बारी से हम लोग तोड़ते हैं, तो पहले हम लोग LHS को तोड़ लेते हैं, LHS तो LHS बराबर कितना है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर फॉर्मूला की बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसको यदि हम लोग लिखेंगे ना, चार सेक बराबर क्या होता है, हम लिखाए थे फॉर्मूला सेक ए बराबर वन बट्टा क्या होता है, कॉस ए होता है, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम लोग यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे, तो इसके जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, वन बट्टा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर ये बट्टा है बराबर में, चलिए कॉसेक ये भी फॉर्मूला बताए थे, कॉसेक ए बराबर होता है वन बट्टा साइन ए, अगर यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर, तो इसके बदले लिख सकते हैं वन बट्टा साइन स्क्वायर ए। अब यहां से देखिए इस बड़े वाले बट्टा को हटाना, ये बड़े वाले बट्टा को, तो एक बट्टा में कितना कॉस स्क्वायर ए, ये बड़ा वाला बट्टा को हटाएंगे तो गुना कर देंगे, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये एक नीचे आ जाएगा, तो एक को साइन स्क्वायर को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को और एक को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। देखिए इसको तोड़ के इतना आ गया, अब हम लोग ये बाई मध्य पक्ष वाले को यानी कि MHS को भी तोड़ के हम लोग कितना ला लेते हैं, RHS। तो चलिए अब यहाँ से LHS को तोड़े, अब हम लोग तोड़ लेते हैं MHS को यानी कि इसको, तो 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, यही है। अब यहां से देखिए इसको, तो इसको क्या करेंगे, ये स्क्वायर दोनों पे, ये स्क्वायर इस पे भी है और ये स्क्वायर, तो इसको साइन और कॉस में लिखे, यहाँ पे साइन और कॉस में बदले, इसको भी हम लोग साइन और कॉस में बदल लेते हैं, ठीक है।
एक होगा ही, बटा में कुछ नहीं है तो एक माइनस टेन ए बराबर क्या होता है साइन ए बटा कॉस ए, तो साइन ए बटा कॉस ए, ये पूरा के बट्टा में, यहाँ पे भी वही कंडीशन एक बट्टा एक प्लस नहीं माइनस है ना, यहाँ पे भी तो माइनस ही है ना, तो यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस कितना कॉस ए बट्टा साइन ए, ठीक है, पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर कर दीजिए बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक का कॉस ए को हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ए, एक से कॉस ए में भाग देंगे कॉस ए, कॉस ए को एक से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे एक, एक को साइन ए से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ए, पूरा के बट्टा में एक का साइन ए का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ए, एक से साइन ए में भाग देंगे साइन ए, और साइन ए को एक से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ए, एक से साइन ए में भाग देंगे तो कितना साइन ए, साइन ए को एक से गुणा करेंगे तो साइन ए माइनस साइन ए से साइन ए में भाग देंगे एक, एक को कॉस ए से गुणा करेंगे तो कॉस ए, पूरा का स्क्वायर है, पूरा का स्क्वायर करते जाइए आप लोग भी। अब यहाँ पे देखिए बड़ा वाला बट्टा को हटा देते हैं हम लोग, तो कॉस ए माइनस कितना हो जाएगा साइन ए, अब बट्टा में कितना कॉस ए, इसको हम बड़ा वाला बट्टा को हटाएंगे तो गुणा कर देंगे, इसको ऊपर लिख लेते हैं साइन ए ऊपर चला जाएगा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, इसको भी आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे है कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पे है साइन ए माइनस कॉस ए, उल्टा है तो इसको इधर करने के लिए, इसको इधर करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो अगर माइनस चिन्ह हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस में कॉस ए, और माइनस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा साइन, इतना लिख सकते हैं बट्टा। अच्छा इसका पूरा का होल स्क्वायर हम लोग नहीं लिखे ना, पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पे गुना में साइन ए, अब बट्टा में कितना हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, इस पूरा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए के पीछे मैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए को इधर आप कॉस ए को उधर लिख सकते हैं, तो इसको हम मिटा करके यहीं पे कर देते हैं, हम लोग साइन ए को इधर लिख लेते हैं माइनस कॉस ए को क्या कर देते हैं उधर कर देते हैं। अब देखिए ये साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए खत्म हो गया, अब क्या क्या बच गया माइनस बचा, यहाँ पे क्या बच गया साइन ए, अब बट्टा में क्या बच गया कॉस ए, और इसका क्या बचा स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और साइन बट्टा कॉस बराबर क्या होता है साइन बट्टा कॉस बराबर कितना हो जाएगा टेन, और स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। देखिए यही कह रहा था प्रूफ करने के लिए, इसको भी तोड़ के आ गया टेन स्क्वायर ए, इसको भी तोड़ के आ गया टेन स्क्वायर ए, अब तीनों बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः एल एच एस बराबर एम एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। तो यही तीन क्वेश्चन था, तो आज का क्लास यहीं पे, मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।